खबर इस वक्त नोएडा से बता रहे हैं। एसएसपी वैभव कृष्ण के दावे हवाई साबित हुए हैं। साइबर थाने में नई दर्ज होते साइबर अपराध, पीड़ित से लगाए जाते हैं थाने के चक्कर। पीड़ित को डांट फटकार कर भेज दिया जाता है बाहर। एसएसपी ने जिले में 2 नोडल थाने बनाए थे और सेक्टर 24 में इन साइबर थानों को बनाया गया था। साइबर अपराध की एफआईआर नहीं दर्ज होती है, थाना प्रभारी नहीं दर्ज करते हैं एफआईआर। एसएसपी ने पीसी कर किया था जोर शोर से प्रचार, लेकिन जो तमाम दावे किए गए थे साइबर क्राइम को लेकर, ये हवा हवाई साबित हुआ। सेक्टर 24 में ये साइबर थाना बनाया गया था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर ये साइबर थाना क्यों बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था जब इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। लोगों से कहा जाता है कि एफआईआर यहां दर्ज ही नहीं होती, थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर साइबर थाना बनाने की जरूरत क्या थी। एसएसपी वैभव कृष्ण के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। साइबर थाने में नहीं दर्ज होते साइबर अपराध, पीड़ित से लगाए जाते हैं थाने के चक्कर। वरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। वरुण, तमाम जो दावे किए जा रहे थे साइबर थाने को लेकर हवाई साबित हुए, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण है वो अपराधों को रोकथाम के लिए तमाम प्रयास करते हैं, योजनाएं निकालते हैं, लेकिन उनके सारे मंसूबों पे जो उनके नीचे अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी हैं वो उसमें पलीते लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ 1 माह पहले ही नोएडा के एसएसपी द्वारा नोएडा के और वह एक ग्रेटर नोएडा के 2 थानों को नोडल थाना बनाया गया था, जिससे साइबर अपराध के जितने भी पीड़ित हैं उनको दर दर ना भटकना पड़े और जो नोएडा के शहरी लोग हैं उनकी शिकायत जो है नोएडा के सेक्टर 24 थाने में हो जाए और जो ग्रामीण है उनकी सूरजपुर थाने में हो जाए। लेकिन इसके बावजूद जब पीड़ित थाने पहुंच रहे हैं तो उनको वहां से डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। जो नोएडा के सेक्टर 24 थाना प्रभारी हैं वो उन्हें वहां से भगा देते हैं और उनको बोल दिया जाता है कि आपकी जो घटना स्थल का जो थाना क्षेत्र है वहां जाकर अपनी शिकायत करें। आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से योजनाओं को बनाकर उनके लिए प्रेस वार्ता कर एसएसपी जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन साइबर थाने में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में एसएसपी साहब को कोई जानकारी है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पीड़ित यहाँ से लौटने के बाद थानों के चक्कर लगा के जब थक जाते हैं तो वो एसएसपी की शरण में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से भी उनको सिर्फ दिलासा दे दिया जाता है और उनकी जो शिकायतें उनको ना तो दर्ज किया जा रहा और ना उनका निवारण किया जा रहा। सिर्फ जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए बनाया जा रहा है, धरातल पर वो एकदम उनकी हवा निकल रही है और बिल्कुल फेल है वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। धरातल पर जमीनी स्तर पर तमाम दावे एसएसपी साहब के फेल हुए हैं। साइबर थाना जो बनाया गया था हवाई साबित हुआ।